तो क्या आप भी परेशान हैं उन चीज़ों से जो कि आपके सामान को इस तरीके से घेरे रहती हैं और जिनको आपका कोई यूज़ नहीं है आपको उनका? तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी चीज़ जो कि इसे ख़त्म कर देगी, वो भी मिनटों में। तो इसे देखने के लिए हमारे साथ आगे बढ़े रहिए। धन्यवाद। यो गाइस, आई एम हियर, यू आर वाचिंग योगा में 2019। और ये जो आपने स्पीच सुनी थी उस समय, ये मेरे दोस्त की थी। और बाहर बारिश भरा मौसम हो रहा है, जो कि मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ अभी। क्लियर हो जा प्लीज़। हो गए, चलो। तो ये है हमारा पर्सनल गटर, जो कि एक पाइपलाइन के द्वारा जुड़ा हुआ है। कहाँ से वो मैं बताऊँगा, पहले जो सामान हमें फेंकना है वो इसके अंदर धीरे धीरे करके डाल देते हैं। देखो, सामान जाने लगा है, जाने लगा है। और अब क्या करना है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। तो आवाज़ तो आने लगी ही होगी, अब कुछ ही देर में ये देखना जादू। देखो, अब वो सामान जो है सीधे जाके गटर में जाएगा। ये मेरे पास क्यों आ गया, फेंको इसे। और तुम्हें जानना है कि ये कैसे हो रहा है, तो आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारे डिस्पेंसर्स में ये आते जा रहा है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक ये फेंकते रहेगा। थोड़ा साउंड कम करना पड़ेगा। हाँ, अरे फिर इसने उठा लिया, ये बेकार की चीज़ क्यों उठा रहा है, फेंक। अब देखो, जो जो हमने फेंका था वो सब जा रहा है अब, और ये बहुत आरामदायक है। अगर तुम्हें कोई स्टोरी वोरी बनानी है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि तुम यूट्यूब पे अपलोड करो, तो इसके मदद से तुम उसे अपलोड कर सकते हो, अच्छे से अच्छे खासे व्यू पा सकते हो। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो पहले इधर से निकलना पड़ेगा, पहले इस यहाँ पे। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है, अरे यार बंद हो, ये क्या हो रहा है ये भाई, ये सही नहीं हो रहा जो भी हो रहा है ये। अच्छा, मैंने गलती से उसमें फ्लिंट एंड स्टील डाल दिया है, अब इसमें आग पकड़े रहेगी जब तक मैं इसमें कोई और चीज़ नहीं डाल देता। तो एक बार डाल के देखते, तो ये पहले ही जल जा रहा है यार, ये ख़राब हो गया अब ये। ओके, ये जल नहीं रहा है शायद। ओहो, ओके, तो ये फ्लिंट एंड स्टील का लगातार यूज़ कर रहा था, तो जिसके वजह से ये हो गया। अब देख सकते हो कि कितना ख़तरनाक मैंने मैकेनिज़्म यहाँ पे किया है। तो आओ पहले मैं तुम्हें ये सिखा देता हूँ कि ये मैंने कैसे किया है। तो अब ऊपर चलते हैं, और हाँ, ये दोनों तरफ से मुमकिन है। इसके लिए यहाँ पे जितने भी ये स्लैब्स लगे हैं ना, इसके नीचे ये हैं डिस्पेंसर्स, इन्हें क्या कहते हैं, हॉपर्स। ओके, हॉपर्स लगे हैं। तो मेरे पास ये, मैंने तोड़ दिया गलती से, स्लैब यहाँ पे लगा देते। तो इन्हें बनाने का पहले मैं तरीका बता देता हूँ तुम लोगों को। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा था कि यहाँ से मैंने फेंका था, तो वो पूरा जो पाइपलाइन है वो यहाँ से मतलब कि तुम इसे एक पाइपलाइन ही समझ सकते हो। तुम देख सकते हो कि अब तक मैंने यहाँ पे उतना कोई काम नहीं किया, तो मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, जब तुम लोग बनाओगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे अंदर उतनी क्रिएटिविटी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। देख सकते हो कि कितना ख़तरनाक है ये। तो सबसे पहले तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए, पहले मैं अपनी सारी बेकार की चीज़ें इसमें फेंक देता हूँ। फेंकते हैं, ये फेंक दो, ये फेंक दो, ये फेंक दो, ये फेंक दो,
ये भी और ये भी और ये भी। तो हम अब खाली हो चुके हैं। ये मत जाओ पहले, तुम चल जाओ, ये जाओ। ओके तो जाने लगा है, देखो यहाँ से होते हुए चला गया पूरी तरीके से, और अब धीरे धीरे करके सारा सामान जाएगा। जा गया नहीं, ये क्या बात हुई, फिर से डालूँ क्या? हाँ जाने लगा। तो ऐसे ही करके सारा सामान चला जाएगा एक बार, और वो इन पाइपलाइन से होके जाएगा और वो जाके नीचे फेंक देगा इन्हें। तो इन्हें बनाने के लिए तो मैं सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चाहिए इस पूरे मैकेनिज़्म को बनाने के लिए। एक रेडस्टोन और एक हॉपर, एक टॉर्च और एक ये डिस्पेंसर, और डिस्पेंसर या फिर वो जो भी होता है इसी की तरह एक होता है, और एक ये इसे क्या कहते हैं, ओके पिस्टन, एक ऑब्जर्वर, मैंने फेंक दिया पिस्टन क्या, ओके एक पिस्टन मैंने फेंक दिया था। तो एक कोई सा भी एक ब्लॉक, लावा और पानी, और एक रेडस्टोन रिपीटर। तो ये सब लेके मैं चलता हूँ अभी। तो ये हमने सारा सामान ले लिया है, फेंक देते हैं ये बेकार की चीज़ें, और ये हो गया काम ख़त्म, पैसा हज़म। अब चलो मैं तुम्हें इसे बाहर बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं, एक मिनट रुको। तो पहले ये चार ऐसे कर देना है तुम्हें, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वर रखना है, और उसके ही सामने कुछ, अरे मैंने तोड़ दिया गलती से, तो उसी के सामने मैं पहले यहाँ पे रेडस्टोन का काम कर देता हूँ। तो ऐसे तुम रेडस्टोन यहाँ से ले जा सकते हो, और फिर ये इस ऑब्ज़र्वर को इस तरीके से रखना है ताकि इन दोनों के सामने ये बन जाए एक कनेक्शन, और यहाँ पे एक ये रखना है पिस्टन, ओके यहाँ पे रखना है पिस्टन, मैं भूल गया था सॉरी, पिस्टन यहाँ पे रखना है। तो अब जैसे कि मैं ये यहाँ पे डालूँगा, अरे क्या कुछ नहीं हुआ, ओके ये यहाँ पे जाके जुड़ गया है। तो देखो कुछ इस तरीके से रखना है। तो देखो पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देना है, और उसके बीच में एक जगह छोड़ देनी है जहाँ पे तुम्हें ये डालना है, और उसके बाद ये दो ऑब्जर्वर्स के बीच में तुम्हें ये डाल देना है। तो देखो अब रेगुलरली करंट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ ले जाना है तुम्हें करंट, ओके और एक यहाँ पे, और एक डिस्पेंसर अगर यहाँ पे तुम लगा दोगे तो देखो अब इसके अंदर काम होना शुरू हो गया है, और ये अब धीरे धीरे सारी चीज़ें फेंकते जाएगा। तो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ये सामान फेंकेगा, ऐसे ये फेंकते जाएगा फेंकते जाएगा फेंकते जाएगा। तो ये अब रिपीटिव हो गया है, ओके तो इसने सारा फेंक दिया। तो देख सकते हो कि अब ये पूरी तरीके से चलने लगा है। तो अब क्या करना है, तो पहले तो यहाँ पे क्राउच हो जाना है और इसके ऊपर ये ऐसे कर देना है, और फिर पीछे जाते रहना है लगाने के लिए, ऐसे 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 करके लगाते जाना है। तो अब देखो अगर इन डिस्पेंसर्स में अगर तुम किसी भी सामान को डालते हो, जैसे कि मैं डाल देता हूँ ये रेडस्टोन डालता हूँ मैं, तो जब देखो ये यहाँ पे जाएगा फेंकते रहेगा। तो ऐसा ही करके मैंने बनाया था। तो ये बहुत ही आसान से ट्रिक है, तो तुम ऐसे करके इतनी अच्छी से बना सकते हो। और बस क्या करना है, यहाँ बहाव डाल देना है थोड़ा सा पानी का, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ नहीं डालना चाहिए मुझे, चक 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 चक। तो अगर ऐसे करोगे तो यह बहुत ही इजीली बन जाएगा, और उतना कोई बहुत सारे तरीके हैं इसे बनाने का, लेकिन मैं तुम्हें सबसे इजी तरीका बताया। और अगर ये फिर से इसमें डाल देता हूँ मैं सारे के सारे,
तो यहाँ यहाँ ये तो हो गया। अब क्या करना है कि ये जो हिस्सा है यहाँ से खोद देना है और लावा डाल देना है इसके अंदर, और बूम, यहाँ पे जब तुम किसी भी सामान को फेंकोगे, इसमें किसी के सामान को फेंकोगे तो वो सीधे जाएगा लावा में, और लावा में जाके जल जाएगा। तो ऐसा करके तुम बना सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो में मैं बहुत सारी, मतलब कि आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें नई नई करने वाला हूँ। मैं बस माइनक्राफ्ट नहीं खेलता, मैं बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ये सुन के लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है इस रोड को बनाने में। बस भाई बस इस रोड को बनाने में इतनी मेहनत लगी है कि क्या बताऊँ। वो तो चुटकियों में बन गया, लेकिन उसे पहली बार में बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। तो भाई लाइक कर देना ताकि थोड़ा हिम्मत बढ़े इंसान के अंदर, और सब्सक्राइब कर ही दो। वैसे तो मैं ज़्यादातर कहता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ज़रूरत हो गई है, और मैंने अपने चैनल का नाम भी बदल के 2020 कर दिया है, योगे में 2020। और मैंने जो सुबह को, नहीं, जो इंट्रो डाला था, यो गाइस आई एम यू आर वाचिंग योगे में 2019, वो पिछले साल का था, इसलिए मैंने उसमें 19 बोला। खैर छोड़ो, इससे हमें मतलब नहीं, यू आर मी हम लोग। अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।